हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज का डेट है 15 जनवरी 2023 और आपके सामने मैं 10 स्टॉक प्रस्तुत करने वाला हूं जो कि बेहतरीन एक प्राइस एक्शन पे मुझे दिख रहा है। आने वाले दिनों में या तो आप इंट्राडे में कल के लिए आप ट्रेड कर सकते हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग में भी आप जा सकते हो 3 से 5% के लिए। कौन सा लेवल होगा डिटो आपको बताने वाला हूँ प्राइस एक्शन पे। तो सारे स्टॉक को के ऊपर एक बार नजर डालिएगा। और गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ पाए हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले, राइट। तो हमारा सबसे पहला जो स्टॉक है जो पीक आज का, वो उसका नाम है आदित्य बिरला कैपिटल। आदित्य बिरला कैपिटल को अगर आप देखें तो यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनाता है गाइस। डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद इस लेवल पे आने के बाद एक बाउंस मारता है, अगली बार यहीं पे आया है और देखिए इसके ऊपर निकलना स्टार्ट किया है। जो इसके ऊपर अगर निकलता है तो हमारा टारगेट आसपास हो सकता है 154 के आसपास। मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है स्विंग ट्रेड के लिए। सेकेंड स्टॉक है गाइस, उसका नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस। एक अच्छा ट्रेंड लाइन पे भी बना है, देखे तो यहाँ से एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन के ऊपर बना है। ये ट्रेंड लाइन पे आता है और यहाँ पर एक बनाता है डबल बॉटम। डबल बॉटम पे यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग बनाया था। अगर इसके ऊपर निकलता है गए तो एक अच्छा मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको एक अच्छा ट्रेड देखते हुए मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस, उसका नाम है TCS। TCS ने बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाया हुआ है यहाँ पर। अगर TCS को आप देखें तो ऑलरेडी यहाँ से एक अच्छा सा ट्रेंड चेंज करता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पर देखें ये लेवल था लेकिन इसके ऊपर में ये क्लोजर दिया है और बहुत अच्छा इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो TCS आने वाले दिनों में एक अच्छा स्विंग ट्रेड हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस, जो डेल्टा कॉर्प, इसका प्राइस एक्शन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने एक वीडियो बना करके आपको दिखाया हुआ कि मार्केट के ऊपर अगर जाना होता है तो मार्केट नीचे जाना नहीं चाहता है और जब नीचे आने के बाद क्या करते, देखिए यहाँ पर कि एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ, या बुलिश अरामी पैटर्न बनता है और ये पैटर्न बनने के बाद ऊपर गया, अगली बार यहीं से ये बाउंस करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आने के बाद मार्केट कुछ दिन अगर होल्ड करता है या टाइम बिताता है बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आपको ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि बड़ा मोमेंटम को कैसे कैप्चर किया जाता है, उसमें डेल्टा कॉर्प है। इस पे आप नजर बना के रख सकते हैं, इंट्राडे भी अच्छा स्टॉक हो सकता है। सेकेंड है आइसर मोटर जो 200 मूविंग एवरेज पे भी आया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक डबल बॉटम बनता है, बुलिश इंगल्फिंग है इस लेवल पे। तो आने वाली या तो इंट्राडे भी अच्छा स्टॉक दिख सकता है। ये आज के जो क्लोजर इसके ऊपर अगर स्टार्ट करता है ट्रेडिंग 2:1 के इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं या फिर स्विंग ट्रेड में ये लेवल के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये लेवल है ऑलमोस्ट, अगर आप एक्सपेक्ट करें तो यहाँ से आप देखें तो क्या परसेंटेज बन के आता है, लगभग 3% के आसपास का ट्रेड दिख सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस, उसका नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने एक बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन यहाँ पर पैटर्न बनाया था। मार्केट को मैंने ऑलरेडी बताया है, मार्केट में ब्रेकआउट देना होता है, रेजिस्टेंस के पास टाइम बिताता है, ब्रेकआउट देता है, उसके बाद देखिए यहाँ पर रिटेस्ट करता हुआ दिख रहा है। आप इंट्राडे में या स्विंग ट्रेड में इसमें अपना पोजिशन बना सकते हैं और ये कंटिन्यू कर सकता है। बहुत अच्छा ट्रेड अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस, उसका नाम है मारुति। मारुति ऑलरेडी आप देखें यहाँ पर, आपको ये जो वीडियो मैंने जस्ट बताया है डेल्टा कॉर्प में उसी तरीके का यहाँ पर पैटर्न है। ये देखिए लेवल है, मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद ये नीचे जाना नहीं चाह रहा है और कंटिन्यू देखिए रेजिस्टेंस के पास ये टाइम बिता रहा है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहा है। साथ ही साथ अगर पैटर्न देखें तो ये पैटर्न आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले दिन में या तो इंट्राडे में कल अच्छा स्टॉक होगा ये इस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है तो, या फिर आने वाले दिन में स्विंग ट्रेड के लिए ट्रेड करता है तो बहुत अच्छा स्टॉक ये हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस, उसका नाम है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस में भी जो अभी पैटर्न मैंने आपको बताया डेल्टा कॉर्प में या मारुति में, वही पैटर्न यहाँ मेट्रोपोलिस में भी देखने को मिल रहा है। इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट की इंतजार कर रहा है, हो सकता है आने वाले एक दो दिन में ब्रेकआउट मिले और एक अच्छा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है, उसका नाम है NTPC। NTPC नीचे आता है यहाँ पर आने के बाद, ये सबसे बेहतरीन मुझे प्रोजेक्शन इंट्राडे के लिए दिख रहा है। इस लेवल से ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर आने के बाद बुलिश इंगल्फिंग बनाया है और ऊपर जाने के लिए मुझे दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन देखें तो ये है, तो यहाँ पर कुछ आपको गैप दिख रहा हो, ये इंट्राडे के लिए बढ़िया ट्रेड हो सकता है 1 से 1.5% के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस, उसका नाम है PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसने एक बहुत ही लाजवाब प्रोजेक्शन बनाया है, उसका रीजन क्या है, ये लेवल है जो कि एक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर से ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद ये फर्स्ट टेस्ट है इसका और टेस्ट के ऊपर देखिए ग्रीन कैंडल के साथ ट्वीजर बॉटम पैटर्न बनाया हुआ है, सेम लेंथ है दोनों का। इसके ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छा ट्रेड हो सकता है ये आने वाले इंट्राडे में भी और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी PFC। नेक्स्ट स्टॉक है, उसका नाम है रेक लिमिटेड। रेक लिमिटेड में भी यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट के बाद अगर देखें तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर एक अच्छा सा पैटर्न दिख रहा है। इस लेवल के ऊपर अगर ये कंटिन्यू करता है तो इंट्राडे में भी अच्छा ट्रेड होगा। 123 के ऊपर बाई करेंगे 2:1 के इंट्राडे में बना सकते हैं या फिर आने वाले दिनों में 2 से 3% का आप स्विंग ट्रेडिंग में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है, उसका नाम है पेटीएम। आप लोगों को लगता होगा पेटीएम में भी क्यों
पेटीएम का रीजन बताता हूँ गाइस। यहाँ पर मैंने आपको आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए सजेस्ट किया था, वहां से इसने हाई लगाया था ऑलमोस्ट, देखिये तो ये 14 से 15% मूव किया था। यहाँ पर आप देखिए एक चीज, एक जबरदस्त चीज दिख रहा होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अगली बार यहाँ से ऊपर गया, नेक्स्ट टाइम यहीं से आने के बाद तैयार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो आने वाले टाइम में एक अच्छा सा यहाँ से मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। कम से कम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तो ये वाला लेवल है उसको टच करना चाहिए, जो कि गैप भी है, और ये गैप के पास आने में इसे ऑलमोस्ट देखें तो 6 से 7% का रिटर्न देता हुआ दिख रहा है। बाकी का निफ्टी का और बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको एनालिसिस ऑलरेडी बताया हुआ, वीडियो में आपको पिंक करके यहाँ पर साथ ही साथ आपको दे दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। कल ही मैंने निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और फाइनेंशियल निफ्टी का ट्रेड आपको बताया किस तरह ट्रेड करेंगे। फिलहाल निफ्टी को देखे यार, तो इसने भी डबल बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है, मार्केट कंटिन्यू कर सकता है इसके ऊपर 17,950 के ऊपर, एक अच्छा लेवल इंट्राडे में भी और आने वाले दिनों में मुझे दिख सकता है। गैस यहाँ कमेंट करके मुझे बताइएगा ये सारे स्टॉक में कौन सा स्टॉक है जिसकी प्राइस एक्शन आपको बेहतरीन लगी, और आपको क्या लगता है कौन सा पैटर्न है या कौन सा ट्रेड है, कौन सा स्टॉक है जिसमें आप अपनी पोजिशन बनाना चाह रहे हो। जैसे स्टॉक का नाम बता दूं, एबी कैपिटल है, LIC हाउसिंग फाइनेंस, TCS है, डेल्टा कॉप है, आइसा मोटर है, HDFC लाइफ है, मारुति है, मेट्रोपोलिस, NTPC, PFC, उसके बाद एक लिमिटेड और पेटीएम। ये सारे स्टॉक में मुझे बताइएगा कौन सा स्टॉक का प्राइजेक्शन आपको बेहतर लगा, किसमें आपको लगता है कहाँ एक अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे आपका इंतजार होगा गाइस। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप नए तो चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।